हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये मेरा जनरल नॉलेज का पार्ट टू है और ये आपका एसाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2021 का बेस्ट एनालाइज क्वेश्चन का सीरीज है जो मैंने आगे भी लेके आया आपके लिए, और ये उसका जनरल नॉलेज का पार्ट टू है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर वन। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत बना है? तो पहला ऑप्शन है 270, सेकेंड इज 280, थर्ड इज 226 एंड फोर्थ इज 245। तो इसका सही आंसर होगा 280। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू। विच सोइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन? कौन सा सोइल बहुत बेस्ट सुइटेड है कॉटन के लिए? तो ये आपका एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है रेड सोइल, दूसरा रेगर सोइल, या थर्ड इज एलुवियल सोइल एंड फोर्थ इज लोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगर सोइल, जो कॉटन के लिए बेस्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री। विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंतक? कौन सा रिवर अमरकंतक से ओरिजिनेट होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए महानदी, दूसरा गोदावरी, थर्ड इज नर्मदा एंड फोर्थ इज कृष्णा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर फोर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है वर्ल्ड का? फर्स्ट ऑप्शन इज लेक सुपीरियर, सेकेंड इज लेक मिकिगन, सी इज लेक मालावी एंड डी इज ग्रेट बियर लेक। तो आपको ध्यान रखना है सरफेस एरिया के टर्म में लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एरिया के टर्म्स में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर फाइव। हु पियोनर्ड खिलाफत मूवमेंट? किसने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी? तो आपको पहला ऑप्शन है आपके लिए सैयद ब्रदर्स, सेकेंड इज महात्मा गांधी, थर्ड इज अली ब्रदर्स एंड फोर्थ इज मौलाना आजाद। आपको ध्यान रखना है अली ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की थी, ये खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत अली ब्रदर्स ने किया था, आपको ध्यान रखना है, ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन विच ईयर? पहला जनरल इलेक्शन हमारे इंडिया में कब हेल्ड हुआ था? फर्स्ट ए ऑप्शन इज 1921, बी इज 1942, सी इज 1950 एंड डी इज 1951। इसका सही आंसर बनता है 1951। 1951 से 1952 के बीच पहला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था हमारे देश में। नंबर सेवन इज गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द? हर एक स्टेट का जो हमारा गवर्नर होता है, जिसे हम राज्यपाल भी कहते हैं, वो कौन अपॉइंट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड इज प्रेसिडेंट, थर्ड इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर्थ इज चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट आपका गवर्नर इलेक्ट करता है हर एक स्टेट के लिए या अपॉइंट करता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो किस ईयर में शुरू किया गया था या हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1915, सेकेंड इज 1922, थर्ड इज 1928 और फोर्थ इज 1931। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, उसका कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नाइन इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर? जो हमारा लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम के टर्म्स में वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है नाइल, दूसरा है मिसिसिपी मिसौरी, थर्ड इज अमेजोन एंड फोर्थ इज यांगचे। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा अमेजोन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अमेजोन। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सारा रिवर आपको नहीं पढ़ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नंबर टेन, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था। पहला ऑप्शन है जेएल ब्रेड, सेकेंड इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थर्ड इज के मैकमिलन एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन 11 इज द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाहिन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेंग ऑफ?
ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर जो फाहिन है वो किसके रेंज में इंडिया को आए थे? तो पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, सेकेंड इज चंद्रगुप्त टू, थर्ड इज कनिष्क एंड फोर्थ इज समुद्रगुप्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त टू के समय में ही चाइनीज ट्रेवलर फाहिन इंडिया को आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हुज टेन्योर 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय थे 1857 रिवोल्ट के समय में, उनका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सेकेंड इज लॉर्ड कर्जन, थर्ड इज लॉर्ड केनिन एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड हार्डिंग। तो जो हमारे लॉर्ड केनिन थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी पूछा जाएगा। नंबर 13, द कॉन्ट्रोवर्शियल थेहरी डैम वॉज बिल्ट ओवर। जो कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत चर्चा में रहता है थेहरी डैम, वो किस रिवर पे बिल्ड किया गया है? पहला ऑप्शन है गंगा, सेकेंड इज गोदावरी, थर्ड इज भागीरथी एंड फोर्थ इज नर्मदा। आपको ध्यान रखना है थेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इसे कहा जाता है, ये कौन सा प्लेस है? फर्स्ट ऑप्शन इज मदुराई, सेकेंड इज कोयम्बतूर, सी इज बेंगलोर एंड फोर्थ इज तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा कोयम्बतूर। कोयम्बतूर को ही हमारा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। नंबर 15 इज मानस टाइगर सेंचुरी। आपको पता ही होगा अगर आप असम से है तो मानस टाइगर सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये हमारा राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है असम। मानस टाइगर सेंचुरी हमारा असम में है और ये एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट द बुक द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। ये बुक किसने लिखी है, एलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस? बुक से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है और ये बहुत फेमस बुक है जो बार बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है वीरामा सेठ, सेकेंड इज रोहिंटोन मिस्ट्री, थर्ड इज अनुराग माथुर या फोर्थ इज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इसका सही आंसर होगा, जो हमारी बहुत ज्यादा ही फेमस राइटर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ओशन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्कटिक, सेकेंड इज अटलांटिक, थर्ड इज पैसिफिक एंड फोर्थ इज इंडियन। तो हमारा पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन है, आपको ध्यान रखना है। ओशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 18, द रिवर दिस रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द गंगेस ऑफ द साउथ। नेम द रिवर फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन। इसे गंगेस ऑफ साउथ भी कहा जाता है इस रिवर को, तो इसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज गोदावरी, सेकेंड इज कृष्णा, थर्ड इज कावेरी और फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा कावेरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कावेरी को ही गंगेस ऑफ साउथ भी कहा जाता है। नंबर 19 इज एशियन इज हेडक्वार्टर्ड एट। तो एशियन जो हमारा है ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको सारे याद नहीं करने, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है माले, सेकेंड इज काठमांडू, थर्ड इज जकार्ता एंड फोर्थ इज कुआला लंपुर। तो आपको ध्यान रखना है जो एशियन है उसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा जकार्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कभी कभी ऑप्शन में जकार्ता नहीं दिया हो तो इंडोनेशिया भी दिया हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑप्शन में इंडोनेशिया भी दिया हो सकता है क्योंकि जकार्ता जो है वो हमारा इंडोनेशिया का ही कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। तो आप इंडोनेशिया नाम से भी इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20, पनीनी वाज, ये पनीनी जो नाम है वो कौन थे? ए ग्रीक फिलोसोफर, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर
एंड फेमस मैथमेटिशियन या ए संस्कृत ग्रामेरियन ऑफ वैदिक टाइम्स या ग्रेट पोइट ऑफ एंशियंट टाइम्स। तो ये हमारे एक संस्कृत ग्रामेरियन ऑफ वैदिक टाइम्स के संस्कृत ग्रामेरियन थे। संस्कृत का ग्रामर से रिलेटेड चीज या वैदिक पुस्तक या बुक लिखते थे ये, तो पाणिनि इनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड यूनाइटेड नेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। यूनाइटेड नेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यूएन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है और दिमाग में भी रखना है। मैंने पहले भी यूएन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराया था, जैसे कि ये इसके कितने सारे मेंबर है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि इसके आपके कितने मेंबर है। मैंने पिछले क्लास में कराया था इसके आपके 193 मेंबर्स है, आपको ध्यान में होना चाहिए। आप पहले के भी क्लास को रिकॉल कीजिए, 193 मेंबर्स है आपके इसके, यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स है आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा ही जाता है। ये अगर नहीं पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आया था या फिर कब इस्टाब्लिश हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1941, सेकेंड इज 1943, थर्ड इज 1944 एंड फोर्थ इज 1945। तो इसका सही आंसर होता है 1945, ये इस्टाब्लिश हुआ था 1945 में। और इसके कितने मेंबर्स है, तो इसके 193 मेंबर्स है, आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द लाइन डेट डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इज। इंडिया और पाकिस्तान को जो अलग करता है उस बाउंड्री का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, सेकेंड इज डूरंड लाइन, थर्ड इज रेडक्लिफ लाइन एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। आपको ध्यान रखना है इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री जो दोनों को अलग करता है उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बाउंड्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ग्रीस का कैपिटल क्या है। कैपिटल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्री का, और ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है वार्सो, सेकेंड इज एथेंस, थर्ड इज ओस्लो एंड फोर्थ इज ओटावा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा एथेंस। एथेंस हमारा जो है वो कैपिटल है ग्रीस का। नंबर 24, द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। मिल्क का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया एंड फोर्थ इज जर्मनी। आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिया हमारा जो है वो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है और सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 425, द फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस जो है हमारे हाई कोर्ट की इंडिया की कौन थी। तो फर्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो फर्स्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये चीफ जस्टिस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आगे भी पूछा जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फातिमा बीबी, सेकेंड इज रूमा पाल, थर्ड इज लेला सेठ एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा लेला सेठ, आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन को रिकॉल करते रहिए, यही आपके लिए बेस्ट एनालाइज क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये आज का हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट टू भी खत्म होता है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और कुछ भी अगर कमी लगी हो तब भी बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे क्लास की। और आपका रेस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं आगे मैथ्स के लिए भी आपके लिए बेस्ट ट्रिक लाऊंगा जैसे मैंने वादा किया था आपके लिए। और कुछ भी अगर आपको बताना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए। और ये आपका कोरोना का टाइम है तो ये बहुत टफ सिचुएशन है हमारे लिए, लेकिन आप घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू तब तक के लिए, और अपना प्यार दिखाते रहिए क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिले, जिससे आपका भी ड्रीम पूरा हो और मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।